नमस्कार, टिगनो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ तो थोड़े सारे का स्वागत किया जाता है। सब तो पहला मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। मेरे नाल बैठे डॉक्टर परमेश चंद्रा जी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना। माई सेल्फ इज डॉक्टर संतोष कुमारी, रीजनल डायरेक्टर इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो लाइव सेशन है वो है जो एग्जामिनीस इस दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये सेशन है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ एग्जामिनीस फॉर अपीयरिंग इन दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट उन कह लो विद्यार्थियों के लिए है, परीक्षार्थियों के लिए है, एग्जामिनीज के लिए है जो कि ये दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं। और ये जो एग्जाम्स है, जैसे आप सबको ही पता है कि कल से यानी कि 4 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं और ये अप्रैल 11 अप्रैल तक 2022 तक चलेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में एलिजिबल है अपेयर होने के लिए। तो मैं पहले तो परमेश चंद्र जी से ही पूछूंगी कि ये जो एग्जाम हो रहा है ये किन किन प्रोग्राम्स के लिए अपेयर हो रहा है। इसमें ऐसे सभी विद्यार्थी जो ईयरली प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं और साथ साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में भी एनरोल्ड हैं, डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सभी विद्यार्थियों के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसा कि पिछले 2 टर्मेंट एग्जामिनेशन में विश्वविद्यालय ने सिर्फ लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ही अलाउ किया था कोविड की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके वजह ये हुआ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो कि द्वितीय वर्ष में थे या अपने प्रथम वर्ष में थे वो अपना एग्जाम देने से चूक गए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको उस समय परमिट नहीं किया था। तो इस समय ऐसे सभी विद्यार्थी जो उस समय एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे सभी को इस समय एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है। साथ में एक चीज मैं मैडम और ऐड करना चाहूंगा, विश्वविद्यालय के पिछले 2 वर्षों में बहुत इम्पोर्टेंट 2 नोटिफिकेशंस निकले हैं जिसके तहत जुलाई 2019 में जिन भी विद्यार्थियों ने ईयरली प्रोग्राम्स में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था, मैं फॉर एग्जांपल बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी इन मेजर प्रोग्राम्स की बात करना चाहूंगा, तो उन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने प्रमोशन की स्कीम के तहत अलाउ किया था कि आप फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके थ्योरी कोर्सेज हैं उनके एग्जामिनेशन देने से आपको एग्जेम्प्ट किया गया था। बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें विश्वविद्यालय ने फिर निर्णय लिया कि जुलाई 2020 में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पीजी लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबके प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे जुलाई 2020 के उनको भी प्रथम वर्ष के कोर्सेज में अपीयर होने से एग्जेम्पशन दिया गया। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म भरा था और पिछले बार और इस बार हमें विश्वविद्यालय ने परमिट नहीं किया, तो मेरी सबको यही सलाह है आपको प्रमोशन की स्कीम के तहत आपने सेकेंड ईयर के जो आपके कोर्सेज हैं उनको अटेम्प्ट करना है और साथ ही उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं ताकि उनके एवरेज के बेसिस पे आपके फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो लगाए जाए। इसमें एक चीज और ऐड करना मैं चाहूंगा कि आपको अपना फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स जमा करने कंपलसरी हैं, अदरवाइज आपका जो सेकेंड ईयर का कम्प्लीशन स्टेटस है वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगाने में कारगर साबित नहीं होगा। तो ये ना समझे कि आपको फर्स्ट ईयर का एक ब्लैंकेट प्रमोशन दे दिया गया है, फर्स्ट ईयर के आपको कोर्सेज स्टडी करने पड़ेंगे, अपने असाइनमेंट्स प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे और उसका जो 30% वेटेज विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को देता है वो यथावत कायम रहेगा, तो उसको भी आपको एफर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जेम्पशन मिल गया तो आपको फर्स्ट ईयर के बुक्स छूने ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक अंडर ग्रेजुएट या फुल फ्लेज्ड पीजी लेवल के कोर्स में एडमिट हुए हैं तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, वंस यू गेट द डिग्री तो आपको अपने जो भी आपने सिलेबस कवर किया है उसके सभी कोर्सेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तो जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक आपको उस पर्टिकुलर कोर्स कोड की जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए विश्वविद्यालय ने एग्जम्पशन तो दिया, लेकिन ये जरूर महसूस किया कि कुछ नॉलेज भी विद्यार्थी को गेन हो, तो वो अपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करें, सेकंड ईयर के पेपर अच्छे से दें ताकि उनके एवरेज के बेसिस पे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगाए जा सके। बाकी सभी विद्यार्थी जो इस समय एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा बताया प्रमेश जी आपने, और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एग्जामिनेशन अपियर होने का, जैसे कि है कि उस कोर्स जो आपने अपियर होना है जिन कोर्सेज के लिए उसके रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा ये है कि जैसे आपका मिनिमम टाइम दिया होता है कि इतना टाइम आपने कंप्लीट कर लिया है फिर ही आप उस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि जो बच्चों को ध्यान में रखनी है। तो और इसके अलावा जैसे आपने कहा है कि हॉल टिकट है कि वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं इग्नू की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वो विद्यार्थियों को दिखा भी सकते हैं। हाँ, वो अच्छा होगा कि अगर स्टूडेंट्स को ये दिखाई जाए। ये इग्नू के होम पेज है ignu.ac.in, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है इस वेबसाइट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो इसमें आप जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे अलर्ट सेक्शन में हॉल टिकट का लिंक दे रखा है, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे आप इस पर क्लिक करें तो ये जो नया विंडो खुलेगी इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, तो आपका हॉल टिकट इसमें आ जाएगा जिसमें कि आपकी डेट्स मेंशन होंगी आपने जिन जिन कोर्सेज में अपियर होना है, और उनमें ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया था उनकी फोटोग्राफ ऑलरेडी पेस्टेड आएगी, जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन मोड में पहले एडमिशन लिया हुआ है उनकी फोटोग्राफ नहीं होगी, तो उनको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ पेस्ट करके तब एग्जामिनेशन सेंटर पर अपियर होना है। हम लोगों ने अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी इसका लिंक दे रखा है, आप चाहे तो इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, ये rckhanna.ignu.ac.in है, इस पे भी हम लोगों ने अपना जो डिजिटल नोटिस बोर्ड बना रखा है उसमें हम लोगों ने ये हॉल टिकट का लिंक दे रखा है, जो कि आपको इग्नू वेबसाइट के मेन पेज पर ही ले जाएगा। ये आप देखें सेकंड नंबर पर हॉल टिकट दे रखा है, तो ये आपको उसी पेज पर ले जाएगा, तो इससे आप सभी को आसानी होगी, चाहे आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इग्नू की जो होम पेज है उसके थ्रू भी जाएं और अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। बाकी और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके विषय में आपको रीजनल डायरेक्टर मैडम अभी विस्तार से बताएंगे। और इम्पोर्टेंट जो है आपने बता दिया है कि कहाँ लिंक आपको क्लिक करना है, हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट और इग्नू हेडक्वार्टर वेबसाइट पे जहाँ से आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डाउनलोड हॉल टिकट है आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम अपियर होने जाना है तो ये आप उसके अपने साथ लेकर जाना है, और दूसरी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में ले जाना है वो आपका है आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो ऑनलाइन आपने एडमिशन लिया है, ऑनलाइन मोड से ही आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप ले जा सकते हैं अपनी फोटोग्राफ के साथ। और मान लो आपको किसी कारणवश जो आपने आइडेंटिटी कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए जहां आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे प्रूफ कोई भी अपना जो गवर्नमेंट से आपको कोई आइडेंटिफिकेशन दी हुई है तो वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है जिसमें फोटोग्राफ लगी हुई है, तो ये भी एक वैलिड प्रूफ है आपकी आइडेंटिटी का, तो जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिखा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन टाइम आपको है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, जैसे मान लो आपका 10 बजे एग्जाम शुरू होना है तो एटलीस्ट आप 15-20 मिनट पहले अपने वहां सेंटर में पहुंच जाना है, तो वहां आपको सारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सीटिंग अरेंजमेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की होगी जहां से आपको आपका रूम जहां है जिसमें जाना है बैठना है जहां आपका सीटिंग अरेंजमेंट है तो वो आपको वहां से पहले ही, क्योंकि अगर आप लास्ट मिनट पे जाओगे रश करोगे तो आपको कई तरह की ये होगी
कि जल्दी पहुंचना है, ऐसे आपको एग्जामिनेशन सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है कि लाइन लगी होती है स्टूडेंट्स की एंट्री के समय, तो अगर आपको अपना एग्जामिनेशन टाइम से शुरू करना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ जी, वो परमेश जी को भी मैं कहना थी कि अभी आपने कहा है कि पेंडेमिक जो है एसओपी आपको जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू की है फ्रॉम टाइम टू टाइम और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इश्यू किए हैं वो आपको फॉलो करना है, तो आप बताएंगे कि क्या क्या चीजों मुझे हैं कि साथ में ले जाना है इनको जरूरी है। आप सभी को पता है कि हालांकि इस समय कोविड की कंडीशंस बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करें और गवर्नमेंट का इस बात में सहयोग करें कि हम कोविड-19 की जो कंडीशंस हैं उनको दोबारा किसी भी हालत में डेवलप ना होने दें। कम से कम हमारा अपना खुद का प्रयत्न ऐसा अवश्य होना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि इस चीज में हमारा कोई गलत योगदान हो पाए। तो आप अपने तरफ से अलर्ट रहें, अपना मास्क लेकर के जाएं, अपनी पानी की बॉटल खुद लेकर के जाएं ताकि आपको कभी इस बात का कोई शिकायत ना हो कि आपको कहीं कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हुआ या कोई संक्रमित पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो बेहतर यह होगा कि आप अपनी पानी की बोतल स्वयं लेकर के जाएं। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना मास्क स्वयं लेकर के इस्तेमाल करें, इस बात के लिए आशा न रखें कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको मास्क प्रोवाइड करेगा। आपका अपना खुद का मास्क आपके पास होना चाहिए, सैनिटाइजर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप सैनिटाइजर चाहें तो अपने पास रखें चाहे मत रखें, उसके लिए आपको निश्चिंत होकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जा सकते हैं। आपको सैनिटाइजेशन की पूरी प्रोसेस एग्जामिनेशन सेंटर्स को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस रीजनल सेंटर की तरफ से दी जा चुकी है। वही है कि जैसे मास्क आप अपना साथ में ले जाएं, क्योंकि अगर मान लो वहां आपको मिल जाएगा लेकिन क्यों आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ज्यादा आपका जो कंसंट्रेशन होता है कि एग्जाम में अपियर होना है, जो आपने लर्न किया हुआ है उसको आपने वहां लिखना है, तो इस तरह आप अपने टाइम सेव करके रखें और ये कुछ जो जरूरी चीजें हैं आप साथ में ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज और मैडम मैं ऐड करना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए, कई बार क्या होता है कि कई कॉलेजेस में बेंच और डेस्क पर्याप्त सुविधा के अनुसार होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए डेस्क जो है जरा पतली है, आंसर शीट की चौड़ाई ज्यादा है, तो उसमें आप अगर अपने साथ कार्डबोर्ड लेकर के जाएं जिसपे आप अपने आंसर शीट को अटैच करके प्रॉपरली लिख सकेंगे, तो ये सिर्फ एक सजेस्टिव मोड में मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूंगा कि उसको अपने साथ अवश्य रखें, कार्डबोर्ड को, हार्ड बोर्ड जो होता है, ताकि अगर किसी भी कंडीशन में ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आपके सामने जो डेस्क है उसमें आपको लिखने में कोई असुविधा हो रही है तो आपका सीटिंग प्लान चेंज करना ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर सेंटर की अपनी एक एकोमोडेटिंग कैपेसिटी होती है, कभी कभी सीट्स ऑलमोस्ट फुल होती हैं हर सेंटर पर, तो इस चीज का ध्यान रखें। अपने साथ कार्डबोर्ड, अपनी वाटर बॉटल, अपना मास्क, अपना जो भी स्टेशनरी आप यूज करना चाहते हैं, पेंसिल, इरेजर, पेन, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो वो क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन होगा, आप अपना कैलकुलेटर भी साथ में लेके जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मोबाइल अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर के गेट तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको आपके जिस जगह बैठना है वहां पर आप अपना मोबाइल लेके जाने की अनुमति नहीं है। और एक चीज का मैं आपको सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, एग्जामिनेशन सेंटर की आपके मोबाइल की सुरक्षा रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं। और परमेश मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो डिजिटल एक्टिविटी मोड्स में कुछ भी इनके पास को वो अलाउड नहीं है, तो ये विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो रहा है, आंसर शीट पे आपको अपना आंसर अपने हाथों से लिखना, तो मोबाइल आप अपने घर वालों से या अपने संबंधियों से संपर्क रखने के हिसाब से लेके जा सकते हैं, अपने बैग में रख लें, एग्जामिनेशन का जो हॉल है उसके बाहर आपको रखने की तक की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर से उम्मीद रखेंगे, इस विषय में क्षेत्रीय केंद्र या परीक्षा केंद्र आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। एग्जाम मोबाइल की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उस परीक्षार्थी की है।
परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी आपका परीक्षा कराने की है, रीजनल सेंटर का भी इसमें कोई आपका सहयोग नहीं होगा जहां तक मोबाइल की बात है। जैसे मैंने आपको ये भी कहा है कि आप 15-20 मिनट पहले अपना जो सेंटर है आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना है वहां पहुंच जाएं। मान लो किसी कारणवश कहीं रास्ते में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा ट्रैफिक जाम कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकती है कि सभी को होगी, किसी पर्सन को हो सकती है, किसी एग्जामिनी को हो सकती है, तो उसमें है कि कुछ टाइम है इजी लेटर या सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको दे सकते हैं। मान लो 5-7 मिनट या 10 मिनट अगर आप लेट होते हैं तब तो एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज आपको एंट्री अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप किसी तरह की वहां प्रेशर ना डालें, ना किसी इन्विजिलेटर पे डालें, ना किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट पे डालें। मैडम और जो एग्जामिनर्स ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है। आपका ये फर्ज है कि आप किसी को भी डिस्टर्ब ना करें, अपना एग्जामिनेशन देने का फर्ज है आपका, आप टाइमली पहुंचे। और एक चीज और भी है, कई विद्यार्थी कई बार अपना प्रश्न पत्र जल्दी हल कर लेते हैं, तो उस विषय में जो गाइडलाइंस है कि वो किस तरह से परीक्षा केंद्र को कितने समय पहले छोड़ सकते हैं उसके विषय में भी उसमें जैसे है कि जो हमारी गाइडलाइंस में है कि एटलीस्ट आप 1 घंटा जो है, मान लो 3 आवर्स का आपका है क्वेश्चन पेपर, तो आप आफ्टर 60 मिनट्स के बाद ही जो है एग्जामिनेशन हॉल है आप छोड़ सकते हैं। उससे पहले आप कोई प्रेशर ना डालें, क्योंकि उससे है कि उनको भी जो है एग्जाम कंडक्ट करने में इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो इसलिए आप गाइडलाइंस जो आपको कही जा रही है एग्जामिनेशन सेंटर में, इन्विजिलेटर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसको जरूर आप फॉलो करें। तो मैडम एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो विद्यार्थियों का हॉल टिकट वेबसाइट अवेलेबल है उसमें किस तारीख को विद्यार्थी का किस समय एग्जामिनेशन है वो तो मेंशन है ही, एग्जामिनेशन सेंटर और रोल नंबर सब कुछ मेंशन है। उसके नीचे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, ज्यादातर विद्यार्थी उन इंस्ट्रक्शन सेट्स को पढ़ना नहीं चाहते। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि उन इंस्ट्रक्शन सेट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपके पढ़ने के लिए ही है। और इस बात की आप सुनिश्चित करें कि अपना रोल नंबर आप अपने हॉल टिकट से अपने आई कार्ड से चेक करके ही आंसर शीट पे लिखें। किसी भी कंडीशन में अगर आपका एनरोलमेंट नंबर गलत होता है तो मैं चूंकि इवेल्युएशन सेंटर लखनऊ में काम कर चुका हूं, मैं इस टाइप की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से अवगत है। विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं, रिजल्ट निकालने में बहुत समस्याएं आती हैं। आप अपने अटेंडेंस शीट पे अपने रोल नंबर के आगे ही साइन करें, एक बार उसको काउंटर वेरीफाई कर लें कि आप जहां सिग्नेचर कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके रोल नंबर के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी और के नाम के आगे तो नहीं कर रहे हैं। अपना रोल नंबर अपने आंसर शीट पे जो प्रॉपर बॉक्सेस दिए हैं उसमें ही लिखें, उसके नीचे उनके डिजिट्स लिखें, जैसे मान लीजिए 0 है तो उसके नीचे ZERO, 8 है तो उसके नीचे EIGHT8, इस टाइप से आप साफ साफ लिखें। रोल नंबर सही होने के कंडीशन में आपका रिजल्ट निकलने की 100% गारंटी है। अगर आप अपने लेवल से गलती करते हैं तो विश्वविद्यालय से ये उम्मीद ना रखें कि वो करेक्शन करेगा और आपका रिजल्ट निकालेगा, आपको ही परेशान होना पड़ेगा, विश्वविद्यालय का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, क्योंकि डॉक्टर परमेश चंद्र जी को वैल्यूएशन में काम करने का काफी एक्सपीरियंस है, तो जैसे वो प्रॉब्लम वहां आती है तो ये आप अगर अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने मीडियम चूज किया है प्रोग्राम में, आपको जो है आंसर है उसी में ही लिखने हैं, क्योंकि हमारा जो मीडियम है ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी ही है, तो कई बार स्टूडेंट्स आकर हमें ये कहते हैं क्या हम जो आंसर है क्या अपने मीडियम पर मदर टंग में लिख सकते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी आपको परमिटेड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो है आंसर शीट्स है वो टोटली आपकी एवेल्युएशन नहीं की जाएगी, एवेल्युएशन के लिए आगे नहीं भेजी जाएगी। तो इसलिए काइंडली आप इसको भी ध्यान रखें कि आपने जो मीडियम ऑप्ट किया है उसी में आप अपने जो है आंसर्स लिखें। इसमें मैडम एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम चूज किए हैं या इंग्लिश मीडियम चूज किया है, क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो जैसे कि आपने कहा कि रीजनल लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पंजाब एक रीजनल बेस्ड स्टेट है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट है,
तो यहाँ पर कई विद्यार्थियों को पंजाबी लैंग्वेज में लिखने में आसानी होती है, लेकिन चूंकि इग्नू में इवेल्युएशन इंग्लिश या हिंदी में ही होता है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम लिया है लेकिन उनको कम्फर्टेबल नहीं लगता है, तो चूंकि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है तो आप आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, या हिंदी मीडियम लिया है आपको कोई लगता है कि नहीं हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। एक ही प्रश्न पत्र में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है। आइदर यू चूज हिंदी और इंग्लिश, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आपका मीडियम चाहे जो भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, यू कैन गो फॉर एनी अदर लैंग्वेज, बट आपका आंसर जो हो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में आंसर कर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने हिंदी में कर दिया। इन दैट केस ऑल्सो योर आंसर शीट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। यू हैव टू चूज ओनली वन मीडियम, आइदर इंग्लिश और हिंदी। और एक हां जी है, जैसे आंसर शीट्स का है, वो आपको जो आंसर शीट एक ही दी जाएगी, और आपके अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मेरा तो अभी बहुत सारा लिखना बाकी है, तो कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत काफी कॉम्प्रीहेंसिव होती है, 28 पेज की मैडम आंसर शीट्स होती है। कई विद्यार्थियों की आदत होती है जरा दूर दूर लिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें प्रश्न पत्र को पढ़ने के पश्चात कि आपके पास 28 पेज की आंसर शीट है, आपको अपने आंसर्स को किस तरह से सुनियोजित तरीके से लिखना है और उसको किस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके लास्ट पेज तक आपका आंसर सारे आप लिख पाए, क्योंकि आपको कोई अलग से आंसर शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जब फर्स्ट टाइम इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था, कई स्टूडेंट्स ने बहुत विरोध किया था इस बात का, लेकिन 28 पेज बहुत सफिशियंट होते हैं। विश्वविद्यालय के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कई चीजों को ध्यान में रखते हुए तब इन टाइप की चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी इन चीजों का ध्यान रखें और अपने आंसर्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके सारे आंसर्स जो भी आप लिखते हैं एक आंसर शीट में खत्म हो जाए। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं यहाँ दो पार्ट्स में होते हैं जो इनको आंसर देने होते हैं, उसके लिए भी है कि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं एक ही आंसर शीट पे वो क्वेश्चन पेपर हल करूं क्या मुझे दो लेनी है, कि ऐसे कोर्सेज के प्रमेश जी वो किन प्रोग्राम्स में ऐसे ज्यादातर मैडम बीएससी के कोर्सेज में ऐसा देखने को आता है। उसमें कई कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें दो दो क्रेडिट्स के कोर्सेज होते हैं, तो या बीएससी नर्सिंग में ऐसा आता है। अब तो बीएससी नर्सिंग का रिवाइज सिलेबस जनवरी 2021 से लागू हो गया है, तो उसमें जैसे बीएनएस 102 के ए बी सी डी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, या बीएनएस 105 के कुछ पार्ट्स ए और बी होते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में हमारे CHE 1-2 के होते हैं, या फिजिक्स में होते हैं, या आपके लाइफ साइंसेज में LSC 5 LSC 6 होते हैं। तो इस टाइप के बहुत से कोर्सेज हैं, AFW है, BHDA है, ये सब ज्यादातर हमारे पुराने जो बीए के या बीएससी के प्रोग्राम्स थे उनके जो कोर्स हैं उसमें इस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज का विद्यार्थी ध्यान रखें कि आपके प्रश्न पत्र के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको हर सेक्शन को सेपरेट आंसर शीट में अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इन्विजिलेटर इस बात के लिए कहता है कि नहीं आपको एक ही आंसर शीट में लिखना है, आप उनसे कहिए कि इंस्ट्रक्शन सेट में ये चीज साफ साफ लिखी है, इसलिए आप मुझे दो आंसर शीट देंगे और मैं दो आंसर शीट जमा करूंगा। अगर उस पर भी इन्विजिलेटर आपका विरोध करता है, आप सेंटर के सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट से मिलने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है आपको उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। कई सकता उनको अवेयर ना हो या नॉलेज ना हो, तो उनको भी इस चीज के बारे में आप अवगत करा सकते हैं और अपने जो भी आपके उस क्वेश्चन पेपर के डिमांड्स हैं उसको आप पूरी तरह से फुलफिल करें। ये पटनायक जी आपने अच्छा कहा, क्योंकि कई बार जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से होते हैं, उनको वहां की वर्किंग ज्यादा पता होती है, कई बार डिस्टेंस मोड से है, तो क्योंकि ऐसे जो है इंस्ट्रक्शंस है तो वो आप अपने लेवल पे अच्छी तरह देख ले तो वो ज्यादा अच्छा है। हम लोगों को मैडम मैं एक अनुभव विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहूंगा इसी कंटेक्स्ट में। जब मैं इवेल्युएशन सेंटर पर था तो कई विद्यार्थी एक सिंगल कॉपी में जैसे LSC 5-6 का अटेम्प्ट कर देते थे, तो हमें मजबूरी बस चूंकि वो एक में जैसे मान लीजिए प्लांट डाइवर्सिटी है, एक में एनिमल डाइवर्सिटी है, या उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए एक
तो आसानी थी कि एक कॉपी में कर दिया, लेकिन जो इवेल्युएटर होते हैं, कोई जूलॉजी का है, कोई बॉटनी का है, तो सेपरेट डिसिप्लिन हैं, तो हमें मजबूरी में एक पार्ट पहले एक इवेल्युएटर के पास भेजना होता था, फिर वो अपने पार्ट के मार्क्स देता था, फिर वो कॉपी रिटर्न करता था, उसके बाद हमें उसी कॉपी को दूसरे इवेल्युएटर के पास भेजना होता था। इट टेक्स टाइम एंड इट्स अ कंबरसम प्रोसेस। कभी आपके मार्क्स मान लीजिए मिस हो गए तो फिर आप यूनिवर्सिटी को दोष नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी ने अगर क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन सेट्स दे रखे हैं तो उसको विद्यार्थी को फॉलो करना है। आप अलग अलग कॉपीज में करेंगे, आपकी कॉपीज जल्दी इवेल्युएट होगी। और आपको ध्यान रखना है, आप अपने साथ किसी भी तरह का ऐसा कोई पेपर, कोई बुक, कोई भी ऐसी चीज लेकर नहीं जानी है जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने के लिए आपको मनाही की गई है। अगर आप ऐसा पाए जाते हैं तो आपको अनफेयर मीन्स यूज करने के उसमें आपको ये मीन्स जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है गाइडलाइंस का उसके तहत सिवियरिटी के हिसाब से आपको दंड भी भोगना पड़ सकता है। हाँ, उसके लिए बहुत सारी दी गई है गाइडलाइंस में कि आपको इमीडिएटली एग्जामिनेशन सेंटर से निकाल दिया जाएगा, आपको आगे के पेपर्स नहीं देने दिया जाएगा, इवन एक साल दो साल कितनी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए ही आपको इग्नो के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ये इसको आप ध्यान में रखें। मैडम इवेल्युएशन सेंटर पे जब मैं था तो कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने स्वयं आए हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर ने कॉपी के साथ पर्चियां नत्थी करके भेजी हैं, इवन मोबाइल पूरे प्रॉपरली पैक करके भेजे हैं कॉपी के साथ, कि ये विद्यार्थी के साथ उसके पॉकेट में पाए गए। तो मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ, आप इसको वार्निंग भी समझ सकते हैं, लेकिन अपने एग्जामिनेशन को पूरी निष्ठा से अपनी तैयारी के हिसाब से दें, किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जो अनुपयुक्त हो। आप अपने एग्जामिनेशन को अपने मेमोरी बेस्ड बेसिस पे ही आप लिखें और अपने एफर्ट जो आप देते हैं उसके अनुरूप ही आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये सारे चीजें होंगे कि यू आर मैच्योर स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू, तो आपका काफी एक्सपीरियंस भी है, आप इन वर्किंग स्टूडेंट्स भी हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि एक ग्रिमा होती है एक एग्जामिनेशन सेंटर की, उस कॉलेज की, वो उसको मेंटेन उस कॉलेज में रखना होता है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी हमारा इग्नू का है, इवन नेशनल सिस्टम ना होकर इंटरनेशनल लेवल का है, तो उस ग्रिमा को आपने भी बनाए रखना है, क्योंकि इग्नू का नाम और आपने आगे कंटिन्यू करना है और उनको भी सलाह देनी है। तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। आपको कहीं भी कोई ऐसा लगता है कि हमने वो चीजें कवर नहीं की है, आप अपने कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं, तो हम आपको उसका फॉलो अप हम आपको बताएंगे। वीडियो भी हम बना सकते हैं जिसका लिंक हम आपको फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पे देंगे। तो इसलिए आप इग्नो के साथ बने रहें, आप औरों अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इग्नो की जो इन्फॉर्मेशन है हम फेसबुक पे भी डालते रहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी डालते रहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसको आप आगे शेयर करें। तो ये सारा आप इग्नो के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी को और पंजाब में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। और सभी जो भी परीक्षार्थी कल से परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं उनको क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो एग्जामिनेशन अच्छे से दें। नमस्कार।